वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्याज को फ्रीज़ करना बताऊंगी। रमज़ान आ रहे हैं तो हमें जो है उसकी तैयारी करनी है। तो रमज़ान में हमारा टाइम किचन के में कम से कम लगे, इबादत का मौका मिल जाए रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मैं बताती हूँ कि इसको हम किस तरह फ्रीज़ करना है। ये प्याज को मैंने धोया था, अब मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। ये मैंने प्याज में ये पानी डाल दिया है। पानी इतना डालना है कि प्याज से तकरीबन 2-3 इंच ऊपर हो जाए पानी। इसको अब हमें ढक्कन ढक के इसको मीडियम आंच पे गलाना है। ये प्याज मैंने चूल्हे पे रख दिया है मीडियम आंच पे। अब इसको हमें प्याज को बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक, गलने तक बनाना है। चलें आइए देखते हैं कि प्याज हमारी कहाँ तक गली है। प्याज को चढ़े हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ चला के, ताकि ये हमारी जो है वो और अच्छी तरह गल जाए। अभी हमारी पूरी अच्छी तरह से नहीं गली है, इसको भी और गलना है। ये देखें ये बिल्कुल वाइट हो चुका है, हमें इतना ही गलाना था इसे। ये बहुत ज़्यादा गल गया है और सॉफ्ट है बहुत। अब इसे हम ठंडा करते हैं। ये देखें ये प्याज हमारी बिल्कुल ठंडी हुई है। इसको मैं ग्राइंडर में डाल दूँ पीसने के लिए। बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बनाना है, वो बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, बिल्कुल गाढ़ा, जितना भी हो सकता है गाढ़ा उतना बनाना है मुझे पेस्ट। ये देखिए ये मेरा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। मैंने एक बाउल में निकाल लिया सबको पीस के, मैंने कम से कम पानी डाल के पीसा है। तो ये बहुत बारीक और स्मूथ बनाई है। मैंने गिलास में इस तरह एक थैली लगा ली है। मैं थैली में डालूँगी, ये बनाऊँगी छोटी छोटी, ताकि जो है ये हमारा इसको बार बार पिघलाना ना पड़े। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हमें प्याज लेनी हो बस। कम से कम ये हम 2 दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट के बराबर हम इसके अंदर पेस्ट डालेंगे। मैं छोटी छोटी थैलियों में इसको पैक कर दिया है। तकरीबन ये 2 दरमियानी प्याज के बराबर मैंने इसका पेस्ट जो है वो एक थैली में पैक किया है। अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी किसी भी सालन में जिसमें प्याज, किसी भी प्याज चाहिए होती है, उसमें मैं एक थैली निकाल के डाल दूँगी। या आपको जितनी प्याज डालनी है उतनी कर लें। ये मैंने इसीलिए छोटी थैलियों में डाली है ताकि आपका जो है वो एक दफ़ा में एक ही थैली का इस्तेमाल हो। ये बॉइल प्याज होती है, इसका पेस्ट बहुत ही स्मूथ होता है। इसको खाना बनाने में इस्तेमाल करेंगे आप तो आपका बहुत ही स्मूथ मसाला बनता है। मसाले जो हैं वो पानी जो है वो अलग नहीं छोड़ता है, वरना मसालों में बस दफ़ा ऐसा होता है कि सालन मसाले अलग हो जाते हैं और पानी अलग हो जाता है। तो इससे बॉइल प्याज को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल्कुल भी पानी मसालों से अलग नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ मसाला बनता है।